हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की सेशन में हम जो ई काउंसलिंग के लिए सैनी स्कूल का जो पोर्टल ओपन हुआ है, तो किस तरीके से आप जो है वहां पे रजिस्टर कर सकते हो और कौन कौन से जो है आपको रूल फॉलो करने होंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और भी बताना चाहता हूँ कि एनटीए के द्वारा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, क्लास 6 की जो आंसर की थी उसको दोबारा से रिवाइज किया गया है। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ये जो ई काउंसलिंग वाली डेट है उसको बढ़ा दें, ठीक है, और आपका जो स्कोर कार्ड है वो दोबारा से जो है वो रिलीज करें, ठीक है। उनमें से काफी सारे जो आंसर्स हैं उन्होंने दोबारा से रिवाइज करके कई बच्चों के नंबर बढ़ भी सकते हैं और कई बच्चों के जो नंबर हैं वो कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाला प्रोसेस क्या रहेगा वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि ई काउंसलिंग आप कहाँ पे जाके जो है कर सकते हो। तो सबसे पहले आप मोबाइल से ना करें, आप डेस्कटॉप से ही करें, ठीक है। तो कोई भी ब्राउजर ले लेना है, अपने सैनी स्कूल ई काउंसलिंग वाली जो वेबसाइट है उस पर जाना है, जिसका लिंक जो है सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। ये वेबसाइट थोड़ा टाइम भी ले सकती है, कई बार बीच में जो है आपका इसमें एरर भी आ सकता है, क्योंकि 1 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो 1 लाख बच्चे जो है अभी इस पे आए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण, ठीक है, ये जो है एरर आ सकता है, ठीक है। 13 मार्च इसकी लास्ट डेट है पहले राउंड के लिए, तो आप 13 मार्च तक इत्मीनान से जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से थोड़ा टाइम भी लेती है ये वेबसाइट, इसीलिए थोड़ा जो है पेशेंस रखें। तो अभी जो है प्रोसेसिंग चल रही है, तो प्रोसेसिंग जैसे ही वो लेके हटेगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे 3 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला लेटेस्ट न्यूज है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर कैंडिडेट एक्टिविटीज। तो आप कैंडिडेट एक्टिविटी में, यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ कि 13 मार्च तक ये पोर्टल ओपन है, आप पे भर सकते हो। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो उसके बाद यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, और एप्लीकेशन नंबर भरने के बाद ये जो है वेरीफाई, ठीक है, उसके बाद आपका ओटीपी और पासवर्ड सेट करने का आएगा, ठीक है। तो आप वहां पे जाके कर सकते हो। तो आगे भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है आएगा। उसके लिए मैं एक वीडियो जो है आपकी अटैच कर रहा हूँ, जिसमें कि उन्होंने स्क्रीन शॉट जो है दिए हुए, तो वो देख लेते हैं वो स्क्रीन शॉट वाली वीडियो। आओ चलते हैं उस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है क्लिक करोगे, जब आप जो सिक्स क्योंकि ये 6 मार्च को या फिर 6 मार्च के बाद ये जो पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने कैसे जो है इसको फिल करना है, कैसे आप जो है स्कूल की चॉइस चुन सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मेरी पहली वीडियो थी, ठीक है, जिसमें कि मैंने सीट्स के बारे में बताया है कि कितनी कितनी कौन कौन से स्कूल में सीट हैं, ठीक है। तो वहां पर जाके आप अपना सीट चेक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप एक जो है लिस्ट बना लीजिएगा, यानी कि 10 स्कूल आप चुन लीजिए कि आपने कौन से में जो है चॉइस फिल करनी है, ताकि आपको वहां पे एडमिशन मिल सके। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वो कहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं आगे जब वो ओपन हो जाएगा तो मैं आपको वहां पे एक वीडियो आपके लिए और ले आऊंगा। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, ठीक है। तो अब दिमाग में आया होगा कि एप्लीकेशन नंबर कौन कौन सा है, तो एप्लीकेशन नंबर या तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर होगा, या फिर आपने जब अपना एनटीए पर जब अपना फॉर्म फिल किया था सैनिक स्कूल का, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही उस एप्लीकेशन नंबर को एंटर करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर वेरीफाई पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है वेरीफाई पे क्लिक करोगे, उसके बाद ठीक है यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने सिंपली इस ओके को जो है क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेरेंस खुलेगा, जिसमें कि आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, ये अपने आप उठा लेगा, जो कि आपने सैनी स्कूल का पेपर भरते समय भरी होगी, और साथ ही साथ अपना जो है मोबाइल नंबर भी जो उस टाइम पे आपने रजिस्टर किया होगा, ठीक है, वो अपने आप उठा लेगा। उसके बाद आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे आपके पास ओटीपी आएगी, ठीक है, जो कि ये 10 मिनट के लिए होगा, ठीक है। तो आपने दोनों जगह पे जो है अपनी ओटीपी भर देनी है। ओटीपी भरने के बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ठीक है, कि आपके पास ओटीपी आएगी, ठीक है। ओटीपी भरने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपको जो सेट पासवर्ड के लिए बोलेगा, ठीक है, तो आप अपना कोई भी पासवर्ड जो है सेट कर सकते हो। हाँ, बट ध्यान रखिएगा कि ये जो पासवर्ड है आप किसी पेज पर लिख लीजिएगा, कि इन फ्यूचर आपको जब कभी भी जरूरत पड़े तो आपको याद रह जाए।
ठीक है, उसके बाद रिकन्फर्मेशन पासवर्ड पे आएगा, ठीक है, तो आपने उसको भरकर आगे जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि साइन अप सक्सेसफुल, प्लीज साइन इन दी कंफर्म एंड रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो ये यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। यूजर नेम तो आपका क्या रहेगा, क्योंकि आपको तो कोई यूजर नेम मिला ही नहीं, ठीक है। तो या यूजर नेम जो होगा तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ना, वही आपका यूजर नेम नंबर होगा, ठीक है। तो आप एज ए एप्लीकेशन जो नंबर है उसको यूजर नेम करोगे। अभी जो हम पिछली स्लाइड में जो आपने पासवर्ड सेट किया था उसको आप जो है पासवर्ड की तौर पे करोगे, और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके देख भी सकते हो कि मैंने पासवर्ड सही भरा है या गलत भरा है, ठीक है। तो आप जैसे ही पासवर्ड पे भरोगे उसके बाद आपको आपने क्लिक पे कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा, ठीक है। तो ये कुछ इनके द्वारा कंडीशंस दी रही है, ठीक है, आपने वो कंडीशंस जो है भर लेनी है, और कंडीशन पढ़ने के बाद आपने जो है आई एग्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करोगे उसके बाद फिर जो है ये आपको ओके पर क्लिक मांगेगा, ठीक है। आपको एसओपी पढ़ने के लिए बोलेगा, जो कि ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, ठीक है, आप उसने जो है पढ़ लिया होगा। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आएगा जिसमें कि आपकी प्रोफाइल रहेगी, ठीक है। प्रोफाइल में जैसे कि आपके बच्चे का नाम, ठीक है, फादर का नाम, मदर का नाम, कैटेगरी आ जाएगी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर क्या था, ऑल इंडिया रैंक क्या रहा है, मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, ओनली 6 यानी कि आपने कितना जो है न्यू सैनिक स्कूल चुने हैं या प्लस सैनिक स्कूल चुने हैं, तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपका जेंडर को कौन सा है, बॉय है या फिर डोमिसाइल कहाँ का है, बिहार है, ठीक है। ये रिव्यू करने के बाद आप अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है चेंज भी कर सकते हो, और चेंज करने के बाद आप उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट, ठीक है, या फिर आप एडिट कर सकते हो या फिर कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एडिट करना है तो एडिट पर, अदरवाइज जो है यहाँ पे क्लिक करके आप जो है कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ओके का मैसेज आएगा, तो आप यहाँ पे ओके को क्लिक करके आगे जो है बढ़ जाओगे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा चॉइस फिलिंग का, ठीक है, यानी कि आप कैसे जो है सैनिक स्कूल के बारे में, कौन कौन से जो स्कूल है, यानी कि इसमें आप न्यू सैनिक स्कूल में, ठीक है, ओनली आपका 9 सैनिक स्कूल जिन्होंने भरा है, कि सिर्फ सैनिक स्कूल ही चूज करना है, ठीक है, तो उनको 9 सैनिक स्कूल चुनने होंगे, और 1 जो है प्रायोरिटी, यानी कि आपने जो भी सैनिक स्कूल को फॉर्म फिल भरते समय प्रायोरिटी दी होगी, ठीक है, तो वहां पे अपने आप उठा लेगा, ठीक है। जिन लोगों ने बोला था कि सैनिक स्कूल प्लस सैनिक स्कूल 40%, उसमें 9 आपको पुराने सैनिक स्कूल और 5 जो है आपको चुनने के लिए दिए जाएंगे, 40% यानी कि आपको 5 न्यू सैनिक स्कूल चुनने के लिए दिए जाएंगे, इसमें आपकी प्रायोरिटी 1 रहेगी और प्रायोरिटी जो है सेकेंड भी रहेगी। और जिन लोगों ने सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% और रूट प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% का, उस ऑर्डर में जो प्रायोरिटी रहेगी वो 3 प्रायोरिटी रहेगी, एक सैनिक स्कूल जो एग्जिस्टेंस में है और 2 दूसरी जो है 40% रूट वाली और 60 जो है थर्ड वाली, ठीक है। तो इस तरीके से आप जिस जिसको भी जो प्रायोरिटी दोगे तो उसमें जो है आपका क्या रहेगा वो उठा आता रहेगा, ठीक है। तो आगे आप जाओगे तो यहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सैनिक स्कूल का, ठीक है, मांगेगा, तो एक तो जो सैनिक स्कूल आपने प्रायोरिटी दी हुई है पहले से ही वो अपने आप उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू एड पर भी जो है क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन वाला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस पे जो है आप ऐड करोगे। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो, ठीक है, आगे आपके पास लिस्ट रहेगी कि कौन कौन से जो है आपने सैनिक स्कूल चूज किए हैं, जो कि आपने लिस्ट बना रखी होगी मुझे उम्मीद है। तो इस तरीके से आपको जो है 10 सैनिक स्कूल जो है चूज करने होंगे और आपने वहां पे ऐड कर देने होंगे। उसके बाद सेकंड आपका जो 40% वाला रूट था, ठीक है, वो भी ओपन होगा, जिसमें कि आप 5 सैनिक स्कूल जो है चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी रहेगा, अगर कोई डिलीट करना चाहता है तो डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60% वाला जो रूट है स्कूल विल बी नॉट एडिटेबल, ठीक है, इसको आप जो है एडिट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आगे
ठीक है, आप सबमिट पे एडिट चॉइस पे भी क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही एडिट चॉइस पे क्लिक करोगे तो आगे जो है आपका सबमिशन आ जाएगा। ठीक है, आगे जो सबमिशन कैसे रहता है वो अभी इन लोगों ने जो है ऐड नहीं किया, तो जैसे ही ये आगे का प्रोसेस बताएंगे तो आपके साथ मैं नई वीडियो लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या वीडियो के लास्ट में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आई थिंक कोई जाता ही नहीं होगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है नंबर रहता है, तो वहां पे आप जो है क्लिक करके मेरे से जो है कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।